हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे वास्तव में और अपना अपना काम कर रहे होंगे। मेरा नाम है दशरथ और मैं आज आपको, जैसे कि हर रोज मेरा वीडियो बनता है, इंफॉर्मेशन वाला वीडियो, नदी नाला पहाड़ पर्वत और किसी स्थान विशेष को लेके या किसी दुकान को लेके ऐसे कुछ वीडियो बनता रहता है। तो आज मैं स्पेशली छोटा सा स्टूडियो के लिए एक छोटा सा सामान लेकर आया हूँ, जो मेरे सामान को, बोले तो मेरा जो फोटो वगैरह होता है, वीडियो वगैरह होता है, उसे करप्ट होने से बचाता है। वैसे कुछ सामान लेकर आया हूँ तो उसी सामान से मिलाता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मेरे वीडियो में आप लोग बोल रहे हैं और लाइक कमेंट फटाफट कर लिया दोस्तों, क्योंकि मैं आपके ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चल चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज मेरे पास है, मैं अमेजोन से ऑर्डर किया था, इस पैकेज में आया हुआ है अमेजोन से डायरेक्ट मेरे घर के पास और पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया हुआ है ये सामान। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। फिलहाल मैं इसको एक बार फाड़ चुका था लेकिन अंदर का नहीं देख पाया था बिल्कुल भी, सामान है या नहीं है उस चीज़ को हल्का चेक किया था। लेकिन फाइनली आपको दिखाने वाला हूँ वो सामान, तो जिस सामान की मदद से मैं अपने फोटो या वीडियो को करप्ट होने से बचाता हूँ। और ये परेशानी मुझे पहले हो चुका था और वो किस चीज़ से हुआ था, उस चीज़ को मैं फाइनली इसको दिखाऊंगा और आप लोग बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इस पैकेट से इस सामान दिखाता हूँ। ये देखिए, यह है पैकेट और मुझे ये कितना कॉस्ट कितना पड़ा था मैं आपको बताता हूँ। मुझे समथिंग ये 600 समथिंग कुछ प्राइस रेट में पड़ा था। तो मेरे पास है ये कार्ड रीडर, जो 3-in-1 है और मैं इस कार्ड रीडर से 3-in-1 काम कर सकता हूँ। बोले तो टाइप सी है, USB है, माइक्रो USB है। मैं तीनों प्रकार का इस कार्ड रीडर से काम कर सकता हूँ और बहुत ही प्यारा सा है ये कार्ड रीडर। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये तो फाइनली दिख भी रहा है, तो फिलहाल मैं इसको निकालता हूँ बाहर। और ये हमारा फाइनली बॉक्स से निकल चुका है और ये है छोटा सा डिवाइस जो कार्ड रीडर है और इसमें कुछ पेपर्स वगैरह है मुझे लगता है ऐसे। हम इस पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है, फिलहाल मैं इसको रख देता हूँ और साइड रखता हूँ। और हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ती है और इस चीज़ की जरूरत कब पड़ती है, जब हम कैमरा से फोटो वोटो क्लिक करते हैं अपने DSLR या वीडियो शूट करते हैं, तो हम कौन सा कार्ड यूज करते हैं उसको मेंशन करता हूँ आपके पास, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जब भी वेडिंग शूट या फोटो शूट या कुछ भी ऐसा शूट करते हैं तो स्पेशली हम इस कार्ड से हम कैप्चर करके अपने कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं, इस कार्ड में करते हैं कैप्चर। और हम लोग इसी कार्ड में, हम लोग जब होता है कैप्चर, हम इस कार्ड का जो भी डेटा रहता है उसको हम कार्ड रीडर में डालने के बाद उसे हम अपने सिस्टम में डालते हैं और कॉपी करते हैं, फिर जाके हम इसमें का डेटा को इरेज करते हैं, वैसे डिलीट करते हैं। तो फिलहाल मैं एक कार्ड रीडर यूज कर रहा था, जिसका जो कार्ड रीडर का कलर ये मेरे शर्ट कलर का था, वही कार्ड रीडर यूज कर रहा था और मेरा डेटा लगभग 2 बार डिलीट हो गया और उसके वजह से मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था मुझे। और मैं उसे रिकवर कराया, फाइनली मैं रिकवर हो गया तो मुझे तसल्ली मिल गया, लेकिन मुझे बार बार मेरा डेटा इरेज हो रहा था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि अपने कार्ड रीडर को चेंज करो करके, तो मैं फाइनली अपने कार्ड रीडर को चेंज किया और मैं आज फाइनली उस कार्ड रीडर को आपसे मिलाने वाला हूँ। और ये है कार्ड रीडर, ये समथिंग 600 रुपए का है और जो मेरे पास कार्ड रीडर था वो मार्केट वाला रेंज बोलेंगे तो 50-60 रुपए का कुछ था होगा। और हम इतने इम्पोर्टेंट डेटा होता है उन्हें हम 60-50 रुपए में का जो कार्ड रीडर होता है उसमें ट्रांसफर करते हैं और अपने सिस्टम में डालते हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग का डेटा बहुत कीमती होता है और वो डेटा को हम स्पेशली, थोड़ा सा बजट हो तो ज़्यादा ही, लेकिन जो हल्का सा बजट ऊपर का है 500-600 ऐसे कुछ का रहता है कार्डर, वो हमारा डेटा को सुरक्षित अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप में कॉपी कराता है और अपना जो काम है वो बाखूबी निभाता है। और ये कार्डर वही कार्डर है जिस कार्डर से मैं अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसे सारा डॉक्यूमेंट को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में कॉपी कर सकूँगा। हम कोई सा कार्ड रीडर यूज करते हैं
क्यों ना वो 50 रुपये का हो या 200 रुपये का हो या 500 रुपये का हो या 1000 रुपये का हो, हमारा काम हो जाए वही बेस्ट है हमारे लिए। लेकिन जब हमारा डेटा लॉस हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमें कहाँ पर रिकवर होगा ये आइडिया बिल्कुल नहीं रहता है। इसलिए आप लोग अपने सिक्योर तरीके से काम करें और अपने डेटा को लॉस होने से बचाएं। और अगर आप लोग का भी डेटा वगैरह लॉस हो गया है प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और अगर रिकवर कराना होगा तो भी मुझे बताएंगे जरूर कमेंट करके, ताकि हम लोग रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। और आप लोग का भी डेटा को लॉस हुआ होगा उस डेटा को रिकवर करके वापस ला सकते हैं। तो फिलहाल मेरे इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।